नीतीश जी, बिहार की जनता ने तो आपका साथ छोड़ ही दिया है। आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग खुले मंच से कर रहे हैं वो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। छोड़िए समाधान यात्रा, आप तो खुद बिहार के लिए समस्या बन गए हैं। तो बिहार के मर्द हैं कि मानते ही नहीं। बिहार में जनसंख्या वृद्धि होने का सबसे बड़ा कारण है कि बिहार के मर्द हैं कि वो तो मानते ही नहीं। यह कहना था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जिन्होंने राज्य में बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर के जो बयान दिया है उससे बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फोर्टेशन। हमने आपको बताया है कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से बिहार के मर्दों को लेकर के एक टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में जो बढ़ती हुई जनसंख्या है इसका एक बड़ा कारण मर्द है। बिहार की महिलाएं तो इस बात के लिए जागरूक हैं कि कैसे प्रजनन दर में कमी की जाए, कैसे बिहार में बच्चों की संख्या एक मर्यादित तरीके से बढ़े। इसे लेकर के बिहार की महिलाएं जो हैं वह लगातार शिक्षित होकर के अब इस दिशा में जागरूक भी हो रही हैं, लेकिन बिहार के मर्द हैं कि वो मानते ही नहीं। वह तो लगातार बिहार की आबादी बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। नीतीश कुमार का यह बयान अब भाजपा के नेताओं के लिए नीतीश कुमार पर हमलावर होने का एक बड़ा कारण बन गया है, और भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने इसे लेकर के नीतीश कुमार को उनकी ही भाषा में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो भसिया गए हैं। जी हाँ, डॉक्टर राम सागर सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार भसिया गए हैं, और नीतीश कुमार सार्वजनिक मंचों पर उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिस भाषा में वो अपने शाम की भुजा पार्टी में आए दिन अपने दोस्तों मित्रों के साथ बात करते होंगे। दरअसल डॉक्टर राम सागर सिंह का जो यह बयान आया है, यह बयान नीतीश कुमार के उसी बयान पर आया है जिसमें नीतीश कुमार ने बिहार में मर्दों को लेकर के जो एक टिप्पणी की है इसे भाजपा के नेता आपत्तिजनक और अमर्यादित बता रहे हैं। भाजपा के विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष जो सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने भी इसे लेकर के एक ट्वीट किया था और नीतीश कुमार पर हमलावर हुए थे। अब उनकी ही तरह नीतीश कुमार पर डॉक्टर राम सागर सिंह भी हमलावर हुए हैं। राम सागर सिंह ने भी नीतीश कुमार की भाषा पर आपत्ति जताई है। उनकी भाषा पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि नीतीश कुमार तो भसिया गए हैं, नीतीश कुमार को तो अब राजनीति में अपने जो यह समाधान यात्रा है इस समाधान यात्रा को लेकर के आश्रम यात्रा पर निकल जाना चाहिए। डॉक्टर राम सागर सिंह ने आज नीतीश कुमार को लेकर के क्या क्या कहा है और किस तरीके से उनके बयान को आपत्तिजनक बताते हुए सार्वजनिक मंचों की मर्यादा को यहाँ तार तार करने वाला करार दिया है, हम छोड़े जाते हैं आपको डॉक्टर राम सागर सिंह के उस बयान के साथ। नीतीश जी, बिहार की जनता ने तो आपका साथ छोड़ ही दिया है, लगता है अब आपका दिमाग भी आपका साथ छोड़ दिया है। आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग खुले मंच से कर रहे हैं वो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। आप क्या उस मंच को शाम वाला अपना भुजा पार्टी वाला जगह समझ लिए थे क्या, जो वैसे भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे? ऐसी भाषाओं से आप तो शर्मसार होते ही हैं, बिहार भी ऐसी बातों से शर्मसार होता है। बिहार को शर्मसार होने से बचाइए। और शिवानंद तिवारी जी जो आपको सलाह दिए हैं कि अब आश्रम यात्रा कीजिए और आश्रम में जाकर के विश्राम कीजिए, छोड़िए समाधान यात्रा, आप तो खुद बिहार के लिए समस्या बन गए हैं, तो अब कहां समाधान दीजिएगा? अब बिहार को बकस दीजिएगा, वही समाधान हो जाएगा बिहार का।